अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन के मौके पर देश में सभी जगहों पर स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया जाता है। इसी के चलते आज सोलापुर शहर में AIMIM के कार्यकर्ता इमरान हवालदार की ओर से MIM के शहर व जिला अध्यक्ष फारूक भाई शाब्दी के हाथों से जीजा माता हॉस्पिटल के सामने सुभाष गार्डन में झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया और मिठाई तकसीम की गई। इस समय MIM के सभी कार्यकर्ते इमरान हवालदार, परवीन मुल्ला, युवक अध्यक्ष मोहसिन महेंद्रकीकर आदि मान्यवर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए सोलापुर नामा 24 की एक रिपोर्ट। आज यहाँ पर जीजा माता उद्यान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम जिम्मेदार और पदाधिकारी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। आज हमारे देश का 75वां स्वतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर झंडा वंदन का कार्यक्रम लिया गया, तो इस मौके पर हम लोगों को बुलाकर यहाँ पर हमारे हाथों से झंडा वंदन किया और यहाँ के लोगों ने हमें इतनी इज्जत से नवाजा है, मैं सबका आभारी हूँ। और इस दिन की आज आप मैं तमाम देशवासियों को बधाई देता हूं। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के दिन पर आपका मैसेज क्या है सर? मैसेज यही है हमारा कि ये जो हम लोगों को आज़ादी मिली है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये आज़ादी हम लोगों को अंग्रेज़ों से बहुत कड़ी लड़ाई करने के बाद और बहुत सारे बलिदान के बाद ये आज़ादी मिली है, तो ये आज़ादी आज हम लोग एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, तो हो सकता है हमको इसकी कदर ना हो, लेकिन हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो भी क्रांतिवीर थे, जो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जानें गंवाई, तो उसका सम्मान करते हुए हमको इस भारत देश को आगे ले जाने के लिए हमसे जो मुमकिन कोशिश हो सके हम लोगों को करना है और हमारे इस देश को हमें बचा कर रखना है, यहाँ के संविधान को बचा के रखना है। इसके लिए मैं तमाम हमारे युवाओं से, बुज़ुर्गों से, हर वर्ग के लोगों से ये अपील करूँगा कि भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में